नहीं खुलने से एक और पैरा कमांडो शहीद। लेह में चल रही थी ट्रेनिंग, मचा मातम। कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान सही समय पर पैराशूट नहीं खुलने के कारण भारतीय सेना के एक और होनहार जवान की जान चली गई। घटना लेह में घटी जहां कमांडो ट्रेनिंग चल रही थी। कमांडो की गिनती भारतीय सेना के सबसे तेज और अच्छे जवानों में होती है। इंडियन आर्मी के वैसे ही जवानों को कमांडो में शामिल किया जाता है जो अन्य जवानों से ज्यादा फिट और स्मार्ट होते हैं। यहाँ स्मार्टनेस का मतलब मेंटल लेवल से है। कमांडो में सिलेक्शन के बाद जवानों को कई खास तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें जंगल में कॉबिंग ऑपरेशन चलाना, पहाड़ पर चढ़ना, हेलीकॉप्टर से कूदना आदि शामिल हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से कमांडो की ट्रेनिंग के दौरान पैराशूट सही समय पर न खुलने से जवानों की जान जा रही है। कुछ दिनों पहले ही एक ऐसा ही मामला सामने आया था। अब एक और कमांडो की जान सही समय पर पैराशूट नहीं खुलने के कारण चली गई। इस घटना के सामने आने के बाद कमांडो को दिए जाने वाले पैराशूट को लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही यह भी पूछा जा रहा है कि इस तरह की शहादत का जिम्मेदार कौन है। पैराशूट हादसे में शहीद होने वाले जवान की पहचान सूरजपाल पचौरी के रूप में हुई है। 30 वर्षीय सूरजपाल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के नंदराम नगरिया गांव के रहने वाले थे। उनके पिता रामचरण पचौरी सहित परिवार के अन्य लोगों को जैसे ही सूरजपाल की शहादत की खबर मिली, पूरे गांव में मातम फैल गया। सूरजपाल की जान शनिवार को लेह लद्दाख में चल रही ट्रेनिंग के दौरान सैन्य विमान से कूदते समय हुई। बताया गया है कि विमान से नीचे उतरते समय सूरजपाल का पैराशूट सही समय पर नहीं खुला, ऐसे में उनकी मौत हो गई। भारत देश का गौरव यह तिरंगा भी देखने मुस्कुराता है, तभी तो ऊंचे पहाड़ों पे वो कितने शान से लहराता है।